स्वागत है आप सभी का नीरज गुप्ता के ब्लॉग में। मैं आपको आज बताऊंगी कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को कैसे लिखना सिखा सकते हैं, कैसे पेंसिल की उसकी होल्डिंग बनवा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहले स्टार्टिंग में आप उसको स्क्रिबलिंग करने के लिए दे सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे स्क्रिबलिंग करेगा, आप उसे खाली पेपर दे के बैठाइए। उसके जब वो स्क्रिबलिंग करना सीख लेगा, उसके बाद आप उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, अदर स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व लाइन दे सकते हैं। तो इससे सभी अक्षर बनने में हेल्प मिलती है। जब ये बच्चा सीख ले, उसके बाद आप कोई भी उसे पिक्चर बना के कलरिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने ये एप्पल बनाया है, इसमें आप कलरिंग करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। जब बच्चा कलरिंग करना सीख जाएगा, जैसे आप काफ़ी इसमें कोई भी पिक्चर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बटरफ्लाई बनाई है, बटरफ्लाई मैंने बनाई है, आप इसमें कलरिंग करा सकते हैं। उसके जब बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में हल्की हल्की पकड़ बनाना शुरू कर दे, तो आप ऐसे डॉट लगा के उसको ट्रेस करके दे सकते हैं। ट्रेस करके जब देंगे तो बच्चा इसमें पकड़ मजबूत बना के पहले तो पेंसिल पकड़ना सीखेगा। ये स्लीपिंग लाइन की सारी ट्रेसिंग है, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन की ट्रेसिंग है, उसके बाद कर्व लाइन की ट्रेसिंग है। आप ऐसे बच्चे को एक शीट बना के प्रॉपर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे की पेंसिल की पकड़ मजबूत होगी और अक्षर बनाने में, लेटर्स बनाने में उसे हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी शीट बनाई है, इसमें मैंने कुछ बॉल का डिज़ाइन करा है। अगर आप कलरफुल शीट बना के देंगे तो बच्चा नेचुरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको। तो स्टैंडिंग लाइन की मैंने ऐसी शीट बनाई है, इसमें बच्चे को आप बोल सकते हैं कि ये ट्रेस करके उसको दे दीजिए कुछ। ये मैंने प्लास्टिक की शीट में इसमें कवर किया है ताकि बच्चा शीट्स को ख़राब बार बार ना करे। आप इसके ऊपर भी कलर से बनाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे। नेक्स्ट ही मैंने कुछ क्लाउड्स बना लिए, इसमें स्लैंटिंग लाइन की ट्रेसिंग कर ली है। ये बच्चा जब आप बोलिए बच्चे को इसके ऊपर आप ऐसे ट्रेसिंग कीजिए, तो बच्चा नेचुरली ट्रेसिंग करेगा और स्लैंटिंग उसकी होल्डिंग मजबूत बनेगी और स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही आप स्लैंटिंग लाइन कीजिए, अदर स्लैंटिंग लाइन, कुछ कर्व लाइन में कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा दीजिए कि बच्चा कलरफुल चीज़ों से जल्दी जल्दी आपकी हर बात को कैच करे और अपने पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस करे। जैसे कि बच्चों को आप इसके ऊपर कलर या समथिंग कोई कलर पेंसिल पकड़ा के ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए बोलिए। ये आपकी शीट बार बार रीयूज हो सकती है, इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप रफली बच्चे को दीजिए, जब आप उसके पता लग जाए कि आपको पता लग जाए कि उसको अच्छी तरह आ गई है, उसके बाद इन शीट में प्रैक्टिस करा लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा यूजेबल है। जो नेक्स्ट शीट है, मैंने ऐसे कार ड्रॉ की है, फॉलो द कार टू रीच एट होम, फॉलो द कार टू रीच एट होम। ऐसे मैंने कार ड्रॉ करके ऐसे इसमें कर्व लाइन बना दी है, फिर स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी, देन कर्व लाइन करता हुआ बच्चा नीचे अपने होम तक पहुंचेगा। ऐसे ही मैंने ये पूरा आप देख सकते हैं पूरी ऐसे शीट बनाई कि बच्चा कलरफुल शीट को देख के जल्द इंजॉय तरीके से जल्दी जल्दी पेंसिल होल्डिंग और स्लीपिंग स्लैंडिंग और कर्व लाइन की प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर है, मैंने ट्रेस द लेटर एल, देन ये पिक्चर बनाई है एंड उसमें एल लेटर लिखने के लिए दिया है। बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करके ये इन लेटर्स को सीखेगा। ऐसे ही आप किसी भी स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के जो अल्फाबेट है उनको बच्चों को दे सकते हैं और ट्रेस करके दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा जल्दी रेकोगनाइजेशन और स्लीपिंग स्लैंडिंग लाइन से जल्दी अल्फाबेट्स बनाना सीख लेगा। उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम की पिक बनाई है, आई लेटर उसमें लिखा हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस कराइए। इसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दोनों यूज होती हैं, तो बच्चा ट्रेसिंग करके दीजिए। ट्रेस करता हुआ बच्चा लेटर भी सीखेगा, साथ में पिक्चर रिकॉग्निशन भी सीखेगा। जो नेक्स्ट शीट है मेरी, लेटर एफ की है, इससे बच्चा एफ, पहले मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, उसके बाद बच्चे को ट्रेसिंग के लिए ये दिया है एफ लेटर, उसके साथ मैंने पिक्चर बना दी है, इससे पिक्चर रिकॉग्निशन होगी बच्चे की। ऐसे ही आप अलग अलग अल्फाबेट्स जो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से जुड़े हुए हैं वो बच्चे को बना के दे सकते हैं। स्टार्टिंग में एक माँ ही होती है जो कि बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है, तो आप, आई होप आप एक मदर के तौर पे बच्चों को इन शीट्स की प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।